नमस्कार दोस्तों, आज आपको लेके आए हैं क्योटी के किले में। ये क्योटी का जो किला है रीवा के सिरमौर परिषद में पड़ता है, जो कि रीवा से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले की खासियत ये है दोस्तों कि इस किले से आप बहुत ही आसानी से क्योटी फॉल को भी देख सकते हैं। क्योटी फॉल जो कि महाना नदी के किनारे पे बसा हुआ है, सेम ये किला क्योटी फॉल से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आइए आपको आज इस बेहतरीन किले के बारे में बताते हैं। ये किला यूं ही खास नहीं है दोस्तों, यहाँ पे राजाओं की लड़ाई के साथ साथ आज के टाइम पे बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग तक हो चुकी है। तो चलिए अंदर से आपको इस किले का बेहतरीन नजारा दिखाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ पे सैनिक कहाँ पे खड़े हुआ करते थे, और यहाँ पे कोलू नाम की तेल निकालने की मशीन थी जिसमें बैल चला करते थे और तेल निकला करता था। तो आइए आपको सब कुछ दिखाएंगे, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये किला, इसकी ये दीवारें, ये किला आपको बता दूं दोस्तों ये तो 400 वर्ष पुराना है। इतना पुराना किला आपको थोड़ा सा जर्जर टाइप का दिख रहा होगा दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा इसे आप कंपेयर करें अपने घरों के हिसाब से कि क्या हमारे घर इतने मजबूत हो सकते हैं। इसकी पत्थर की क्वालिटी देखिए दोस्तों, ये किला कोई ईंटों से नहीं बना हुआ है, ये बनावट की गई है, पत्थरों को काट काट कर बनाया गया है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं इसके पीछे पत्थर लगे हुए हैं, और ये जो इसके पीछे मसाला बना है दोस्तों, ये कोई सीमेंट बालू या गिट्टी का मसाला नहीं है दोस्तों, ये बनाया गया है अंडे, मेथी, लौंग, गुड़, इन सब के मसालों से इसको बनाया गया है, जिससे इसकी पकड़ 400 सालों के बाद भी ज्यों की त्यों नहीं हिली है। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं ये मैं एकदम किले के फ्रंट गेट जो मुख्य द्वार होता है उसके पास में हूँ, उसके ऊपर ये बनावट देखिए दोस्तों कितनी बेहतरीन कारीगरी की गई है। मतलब कोई राजशाही किला ये रहा होगा अपने जमाने का। और ये जो इसका मेन गेट है दोस्तों, अब मैं इससे अंदर जाने वाला हूँ। दोस्तों जब कभी ये किला अपने जिस तरह से अपने समय में जब राजा महाराजा यहाँ पे रहते रहे होंगे, तो सेम इसी जगह पे द्वारपाल खड़े रहते होंगे, सेम इसी तरह पे द्वारपाल खड़े रहते होंगे। हमारे दोस्त ने कितना बेहतरीन नमूना बताया है, ऐसे ही दोनों तरफ पे द्वारपाल खड़े रहते होंगे। और ये मेन इसका जो मेन बुलंद दरवाजा गेट है वो लगा हुआ है, और ये देखिए दोस्तों इतना मोटा सा ये दरवाजा कि एक हाथ से ये हिलना भी थोड़ा सा मुश्किल है। और ये इसका पहला कमरा है दोस्तों, ये दोस्तों इस किले का पहला कमरा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं इस किले को, ये किला पहला कमरा। चलिए अब इसके और अंदर चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, वाव, इसकी बनावट देखें दोस्तों, भले इसके ऊपर घास झाड़ी उग गई होगी, लेकिन इसकी बनावट देखें दोस्तों, इसके अंदर जो जो दीवारें टूट चुकी हैं उसके भी पत्थर देख के आप समझ सकते हैं कि किस ढंग का ये बनाया गया। और ये देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारे दोस्त ने बताया कि यहाँ पे कोई गुप्त रास्ता जैसा दिख रहा है, मुझे लगता है ये शायद ऊपर जाने का रास्ता होगा। और चलिए इसी के साथ हम ऊपर आपको ले चलते हैं। ये बहुत ही छोटा सा रास्ता है दोस्तों, तो इसमें चढ़ने में भी थोड़ा तकलीफ सी हो रही है। और ये देखिए हमारे दोस्त भाई कहाँ तक चले जा रहे हैं, और क्या आगे कोई रास्ता है? देखिए अभी हम आगे जा रहे हैं, और इसकी सीढ़ियां बहुत ऊंची ऊंची है दोस्तों। तो ये अभी हम पहुंच चुके हैं दूसरी मंजिल में। कहीं भी सीमेंट का नाम और निशान नजर नहीं आएगा। ये देखिए, जो कि मैं आपको यहाँ के बनावट की बात कर रहा था, इसमें आपको सीमेंट कहीं भी नहीं दिखाई देगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया हुआ ये। चलिए इसमें आपको और आगे लेके चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितना अजूबा आपके लिए होता जा रहा है, सेम वैसा ही मेरे लिए भी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीढ़ियां नहीं है, यहाँ पे बहुत अपने रिस्क पे जाना पड़ेगा। और ये देखिए, लगता है यहाँ भी कभी सीढ़ी टाइप का कुछ बना था, लेकिन अब टूट चुका है। तो ये अभी हम लोग इसके ऊपर चल रहे हैं, ये मेरे दोस्त देखिए आगे आगे चल रहे हैं, भाई हैं मेरे। और ये देखिए किस ढंग का है ये, और ये नीचे खाई है। और ये जो क्योटी का किला है दोस्तों, ये 2 मंजिल का किला है, तो 2 मंजिल का है। अभी हम इसके सेकेंड फ्लोर पे हैं। चलिए हम आपको भी दूसरी तरफ से दिखाते हैं, यहाँ से तो दूसरी जगह जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ये दोस्तों अभी मैं दूसरी तरफ से आ गया हूँ, वो जो सीढ़ी हम लोग थी, एक छोटा सा होल हमें मिला, यहाँ पे घुस के हम लोग आ गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक घास फूस है, इसे तो साफ सूफ होना चाहिए, क्योंकि एक ऐतिहासिक इमारत है, इसके साथ ऐसा हमें खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अभी मैं आपको आगे ले जा रहा हूँ, आप देख रहे थे क्योटी का किला, और ये अब देखने से तो खंडहर जैसा लग रहा है, लेकिन वही बात है 400 साल पुराना। आज के जो हमारे घर बने करते हैं उनकी लाइफ दोस्तों 70 साल भी नहीं होती, तो उसके कंपेयर में ये किला जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इतना टिक जाना बहुत बड़ी बात है। और ये किला है कितना बड़ा दोस्तों,
ये देखिए अभी उस तरफ में भी आपको दिखाई दे रहा है, वो भी एक किला ही है। हाँ, यहाँ पे चढ़ाया ये कोई एक बाउंड्री सी बनी है डबल मंजिल की, और आगे जो आपको गोल गोल सा दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक इस तरफ है और एक सेम देखिए उस तरफ है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये जो दो बने हुए हैं, ये कभी यहाँ के जो पहरेदार रहा करते थे, यहाँ पे ड्यूटी जो होती है आज के टाइम में जिसे हम कहते हैं, वो ड्यूटी देते रहे होंगे ताकि दूर से ही पता चल जाए कि कौन सा दुश्मन या फिर कौन सा दोस्त आ रहा है, जिससे पता चल जाए कि राज्य में क्या होने वाला है। तो सुरक्षा इंतजाम से कुछ ऐसा बनाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये फर्स्ट फ्लोर का है, और वो सीढ़ी थी जहाँ से हम ऊपर चढ़ के सेकंड फ्लोर में गए थे, और उस जगह पे जहाँ मैंने बताया वो द्वारपाल खड़े होते थे और यहाँ से मैं ऊपर चढ़ा था। लेकिन दोस्तों ये देखिए ये इतने सारे जो कक्ष रूम टाइप के आपको दिख रहे हैं, ये उस जमाने में रूम रहा करते होंगे जब कितने एक महल होता था, वहाँ कितने सारे लोग रहा करते थे, राजा महाराजा रानियों का रूम अलग, राजाओं का अलग, उनके पहरेदारों का अलग, चौकीदारों का अलग। और ये जो बड़ा सा एक एरिया आपको दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है ये इस जगह का आंगन हुआ रहता होगा, जैसा कि हमारे घरों में भी होता है। तो चलिए अभी इसके एक अपोजिट साइड में एक और किला है उसको देखते हैं, और उसमें देखते हैं हमें क्या दिखाई देता है। दोस्तों आपको इस क्योटी किले के बारे में कुछ जानकारी और देना चाहूंगा। ये किला 15वीं सदी में बनाया गया है 1857 में महाराजा ठाकुर रणमत सिंह और अंग्रेजी कर्नल आसवर्ड द्वारा बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ा गया था, जिसके कारण इस किले का अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व। ये बनावट दोस्तों आपको कहीं पैसे देकर भी दिखाने वाला कोई नहीं है। इसकी बनावट जरा एक बार देखिए दोस्तों, इसकी हाइट देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस तरीके की ये बनावट की गई है, पत्थरों से इसे जोड़ा गया है, जिस तरह का मसाले की मैं बात कर रहा था उस मसाले से इसे बनाया गया है, और छत का बनाने का तरीका सेम वही जो पहला था। और ये देखिए छोटा सा दरवाजा है निकलने के लिए, अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी तक मैं समझ रहा था कि ये किला यहाँ पे खत्म हो चुका है, जी नहीं, सेम इसी की तरह अभी ये पीछे एक और भाग आपको दिखाई दे रहा होगा। सब लोग यहाँ पे बैठे रहते होंगे, उनके जो और सलाहकार हैं वो यहाँ पे बैठते रहेंगे, और कुछ राजा साहब कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बैठ कर और बताते होंगे कि हाँ भाई ये डिसीजन लिया है हमने, और आगे चल के इस सेना से हमें लड़ाई करनी है। तो दोस्तों ये तो हंसी मजाक की बात हो गई, अब हम लगे पे ही आ सकते हैं, बाकी क्या हुआ ये तो पता नहीं। लेकिन ये देखिए इस किले का एक और पोर्शन ये है। तो ये अब मैं बाहर निकल चुका हूँ, और ये आपको किले की बाउंड्री वॉल दिखाई दे रही है, जो कि मैं अभी अंदर की तरफ खड़ा हूँ, तो ये बाउंड्री वॉल बनी रही होगी दोस्तों। तो समझ सकते हैं ये बाउंड्री अपने आप में क्या करती है, आपकी किसी भी चीज की हिफाजत करती है। तो किले की हिफाजत के लिए कुछ इसी तरह की बाउंड्रीज बनाई गई रही होंगी उस टाइम पे, और उस बाउंड्री को भी देख सकते हैं सेम उसी तरह से बनाया गया, आपको थोड़ा थोड़ा सीमेंट जैसा दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोबारा बनाया गया है, क्योंकि ये गिर गया था और ये हमारी धरोहर है, इसकी ये समाप्त ना हो जाए, हमारे बाद अगली जनरेशन भी इसे देखती रहे, इसलिए ये चीज दोबारा बनाए रखने के लिए, नहीं तो जैसे उस तरफ गिरा हुआ था सेम उस तरह यहाँ भी गिर गई थी, तो इसे दोबारा बनाने के लिए सीमेंट का यूज किया गया। तो दोस्तों मैंने आज आपको इस क्योटी के किले की एक एक चीज दिखाई, इसके बारे में इसकी खासियत बताई, और अगर मैं कुछ ना बता पाया हूं तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जितना कुछ मुझे पता था या जितना कुछ इसे देख के अनुमानित हो रहा था वो सभी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो, बहुत ही खूबसूरत लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। कैसा लगा इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं फिर दोबारा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।